करता हूं, आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के इतिहास की। वही बंगाल जो कि हमेशा से बहुत ज्यादा समृद्ध रहा है, वही बंगाल जहां से ब्रिटिशर ने अपनी शुरुआत की और पूरे भारत को जीत लिया, वही बंगाल जो एक टाइम पे इतना ज्यादा अमीर था कि भैया पूरे एशिया का 1/3 ट्रेड बंगाल से होता था, वही जो इतने साल हो गए मुगल ने हर जगह पे, तुगलक लोदीज ने हर जगह पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बंगाल पे कब्जा करने पे पसीने छूट जाते थे इनके। तो आज हम उसी बंगाल की बात करेंगे। भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा किसी भी राज्य ने फर्क डाला है तो वो बंगाल है। अब आप उसको वेस्ट बंगाल मत समझिए, बंगाल पूरा बंगाल था, बांग्लादेश आज का, वेस्ट बंगाल, आसाम, कुछ पार्ट झारखंड का, तो पूरा बहुत बड़ा बंगाल था। तभी तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की थ्रू ज्योति बसु, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर जिन्होंने बंगाल की दशा बदल दी। वेस्ट बंगाल पवन कुमार चैमलिंग के बाद सबसे ज्यादा समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले, 23 साल तक ये चीफ मिनिस्टर रहे थे, 1977 से लेकर 2000 तक, और इनकी पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट का एरा 40 साल से ज्यादा इन्होंने रूल किया था। तो आज सॉरी 33 साल, मतलब 34 साल तक इनका पूरा का पूरा रूल था। तो आज हम बात करेंगे ज्योति बसु की, जो कि जबरदस्त चीफ मिनिस्टर थे। बता दूं ये कैसे लीडर थे, ना ही जयप्रकाश जैसा बहुत जबरदस्त बोलते थे, ना ही जवाहरलाल नेहरू जैसा एलोक्वेंस था, लेकिन उसके बावजूद काफी एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। अपने आप को इन्होंने नक्सलाइट से बचाया। जब ये मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गया तब इन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया, एक सेक्युलर छवि बंगाल की। जब इंदिरा गांधी की जब हत्या की गई थी, हर जगह दंगे फैल गए थे, वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी दंगे नहीं थे। पंचायती राज सिस्टम को बहुत ताकत दी इन्होंने। वेस्ट बंगाल एक इकलौता ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जहां पे हर 5 साल में पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं। तो ज्योति बसु की आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें देखेंगे, नक्सल मूवमेंट के भी बारे में हम जानेंगे, रेड कॉरिडोर क्या है और नक्सल मूवमेंट कहां से शुरू हुआ, तो ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये चीफ मिनिस्टर सीरीज का पार्ट है। सिडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे लेक्चर्स डायरेक्टली चाहिए, वैसे तो यूट्यूब पर भी डायरेक्टली आ ही जाते हैं स्टडी आईक्यू पे, लेकिन अगर आपको पीडीएफ और जो कंटेंट है वो पढ़ना है, नोट करना है, और वहां से सीधा आपको लेक्चर का एक्सेस भी मिल जाएगा, तो आप जरूर biographyiq.com को विजिट करिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर से कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। दोस्तों अगर हम ज्योतिंद्र बसु की बात करें तो 8 जुलाई 1914 में, भैया जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था तब तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और काफी समृद्ध फैमिली थी, एक ब्राह्मण फैमिली थी। भैया पिताजी डॉक्टर थे, काफी जाने माने डॉक्टर थे, निशिकांत बासु। इनकी माताजी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। इनका परिवार बहुत ही बड़ा था, एक बहुत बड़े मैंसन में रहते थे, बहुत ही बड़ा परिवार था। चाचा जी थे, उनके बच्चे थे, तो ढेर एक तरीके से ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली में ज्योति बसु का पूरा पालन पोषण हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि जो ज्योतिरिंद्र बसु जो है इनका बहुत बड़ा नाम था, तो लेकिन जब ये स्कूल में गए तो इनके पिताजी ने रिंद्र हटा दिया, सिर्फ ज्योति रह गया, तो बाद में इनको ज्योति बसु ही बोला जाता था, क्योंकि जब स्कूल में नाम रजिस्टर कराया वो ज्योति बसु था। अब इन्होंने सबसे बेहतरीन कॉलेज और सबसे बेहतरीन स्कूल से शिक्षा ली है। सबसे पहले तो ये लॉरेट हो गए, फिर सेंट जेवियर्स 1925, और उसके बाद उस समय के सबसे बेहतरीन कॉलेज जहां से बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी पढ़ के निकले, बड़े बड़े जीनियस पढ़ के निकले, प्रेसिडेंसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, वहां से इन्होंने फिर अंडर ग्रेजुएट किया, इंग्लिश अंडर ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से। उसके बाद ये चले गए इंग्लैंड। आपको बता दूं कि अभी तक तो कोई खास इतनी इनकी आइडियोलॉजी में फर्क नहीं आया है, ठीक है। इनकी लाइफ स्टाइल एक बहुत ही अच्छी है, भैया परिवार का पूरा सपोर्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड गए इनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। 5 साल की जो ये स्टडी थी, 5 साल जो ये रहे हैं इंग्लैंड में,
और जब ये भारत आए हैं तो ये एक अलग ही ज्योति बसु थे, क्योंकि गए तो ठीक ठाक थे, जब वापस आए तो कम्युनिस्ट हो गए थे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, कम्युनिस्ट राइटिंग पढ़ने लगे, लास्की के लेक्चर्स लेने लगे, और वहां पे जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे उनके भी संपर्क में आ गए, जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए, इंडियन लीग के मेंबर हो गए 1939 में। दोस्तों सबसे बड़ी बात, 1939 में ये लंदन मजलिस के सेक्रेटरी चुन लिए गए। तो यहां पे हम देखते हैं कि पूरी तरीके से 5 साल में इन्होंने कहर डाल दिया, तहलका मचा दिया। अब ऐसा है दोस्तों कि वहां जब ये वापस आने वाले थे तो इनको हायर स्टडीज का भी मौका मिला था, लेकिन इन्होंने हायर स्टडीज छोड़ के भारत आना सही समझा। आपको बता दूं वैसे कि लॉयर कौन होता है, लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, मतलब LLB होता है। एडवोकेट कौन होता है, जो बार काउंसिल का एग्जाम पास करता है और वो किसी की भी तरफ से बोल सकता है कोर्ट में, उसको एडवोकेट कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बार काउंसिल का एग्जाम पास करना जरूरी है, जो कि भारत में होता है। उसके बाद बैरिस्टर कौन होता है, बैरिस्टर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है बट वो इंग्लैंड से पढ़ के आया होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पर इनको हायर स्टडी के लिए मौका मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पढ़ना है और वापस आ गए भारत। अब 1940 में जब ये भारत वापस आए, उस समय बहुत कुछ हो रहा था भारत में। क्या क्या हो रहा था, अरे वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गया था। इधर ब्रिटिशर कह रहे थे कि भारत को हमारे साथ आना चाहिए, हम तुमको आजादी देंगे। गांधी जी बोल रहे थे भाड़ में जाओ, हम कोई आजादी नहीं लेंगे। अब यहां पे हम देखते हैं ज्योति बसु जब भारत आए तब वो पूरे कम्युनिस्ट हो गए। वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस के ही अंदर एक ऐसा तबका था जो पूरा कम्युनिस्ट था, जिसके लीडर थे जय प्रकाश नारायण। इनकी बायोग्राफी जब हमने रिव्यू की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि जेपी भी शुरू में कम्युनिस्ट थे, बाद में पूरा बदल गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ज्योति बसु भारत आते हैं और फिर 1940 में इनके लिए लड़की देखना शुरू हुआ। अब जब इनसे पूछा गया बेटा तुमको शादी करनी है, इन्होंने बोला कि देखो मेरे माँ बाप को जो भी पसंद होगी, घर को जो भी लड़की पसंद होगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। सीधा साधा आंसर इन्होंने दिया, कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज। तो यहाँ पे 1940 में इनकी शादी हुई। इनकी शादी बसंती देवी से हुई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद 1942 में उनका देहांत हो गया, और 1942 में इनकी माता जी का भी देहांत हो गया था। ये बहुत गम में डूब गए, काफी डार्क फेज था इनकी जिंदगी में, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब मुझे शादी आदि नहीं करनी, मुझे अकेले ही रहना है, मेरी कितनी जरूरतें हैं तो क्या फायदा जिम्मेदारी लेके। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अकेले आप कब तक चलेंगे। 1948 में इन्होंने दोबारा शादी की कमला देवी से, और उसके बाद इनको एक बेटी हुई, उसका भी देहांत हो गया 1951 में। फिर इनको एक बेटा हुआ 1952 में, जो कि बाद में बहुत करोड़पति बना, और ओनली सर्वाइविंग सन था वो ज्योति बसु का। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ थी। अब हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ पे आते हैं। दोस्तों जैसे ही यह इनका पूरा माइंडसेट था कि मुझे कम्युनिस्ट को, कम्युनिज्म को रिवाइव करना है, कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया है। दोस्तों देखिए, जब ब्रिटिशर अपना ढिंडोरा पीट रहे थे कि पूरी दुनिया में हम ही हैं सबसे बड़े और हम यहां पे उन लोगों को मुक्त करने आए हैं जो कि बड़े दबे कुचले हैं, भारतीयों को रहना नहीं आता, ये लोग निकम्मे हैं, ये लोग बड़े निचले स्तर पे अनपढ़ गवार हैं, तो हम इनको इस दरिद्रता से मुक्त करने आए। अगर आप कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़ेंगे ना, ब्रिटिशर ने जो किताबें लिखी है तो उन्होंने सब ऐसा ही लिखा है। तो अपने आपको देवता बताते थे यहाँ पे ब्रिटिश। कार्ल मार्क्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि बकवास बंद करो अपनी, तुम ये सब अपने पास ही रखो, तुम्हारे में तो इतनी ज्यादा खामियां हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, सारा एक्सप्लॉयटेशन ही तुम्हारी वजह से है। तो यहां पे कार्ल मार्क्स ने अपनी कम्युनिज्म की जब थ्योरी रखी थी ना 19वीं सेंचुरी में, तो पूरा तहलका मच गया था। तो वो उनका पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो यहां से वो विचारधारा शुरू हुई। अब हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि ये वापस आ गए। अब भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बैन थी। क्यों बैन थी? 1929 की मेरठ कॉन्स्पिरेसी की वजह से। यहां पे बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस, देखिए कम्युनिज्म किसकी बात करता है, वो ट्रेड यूनियंस की बात करता है, वो पेजेंट्स की बात करता है, जो बहुत ही गरीब होते हैं, किसान होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है उनकी बात करता है,
वो बात करता है जो लेबर्स फैक्ट्री में काम करते हैं, उन सब की बात करता है। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों कि कम्युनिज्म को पूरी तरीके से बैन भारत में इसलिए किया गया था क्योंकि 1939 में ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल कर दी थी। ब्रिटिशर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ही को ही बैन कर देंगे। तो यहां पे जितने भी लीडर्स थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे, लेकिन जहां पे भी दिक्कत होती थी पकड़ लेती थी ब्रिटिश सरकार। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जब 1940 में आए और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की, उसके जैसे ही सेक्रेटरी बने तो यहां पे सीक्रेट मीटिंग्स करने लगे। जो भी लीडर्स अंडरग्राउंड हुए थे उनको साथ में लेके आ गए ज्योति बसु और दोबारा सीपीआई को इन्होंने रिवाइव किया। अब यहां पे हम देखते हैं कि भैया कांग्रेस से बिल्कुल अलग एक एंटी कांग्रेस पार्टी इन्होंने बना ली। जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, जितने भी वो लोग थे जो कम्युनिज्म में मानते थे, उनको साथ ले आए और उन्होंने इन्होंने एक पूरा एक अलग सा धड़ा बना लिया। ठीक है, साथ ही साथ जब ये वापस लौटे तो इन्होंने पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ सोवियत यूनियन एंटी फैसिस्ट राइटर्स एंड एसोसिएशंस का भी इनको सेक्रेटरी बनाया गया। इसी दौरान दोस्तों 1944 में वर्कर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो इन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे वर्कर्स ज्वाइन किया। इसका मतलब ये एक यूनियन बनाया और इसके सेक्रेटरी ये जनरल सेक्रेटरी चुने गए। लेकिन दोस्तों मौका आया 1947 में, 1947 में। इसी दौरान दोस्तों भारत में तेभाग मूवमेंट भी हुआ। ठीक है, तेभाग मूवमेंट में भी इन्होंने भाग लिया। अब ये सब जो थे ना वो सोशलिस्ट मूवमेंट थे। अब तेभाग मूवमेंट क्या था, देखिए जमींदारों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है और कम्युनिज्म बेसिकली आप देखें तो वो इन्हीं प्रॉब्लम से डील करता है। तो यहां पे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो ये कह रहे थे कि बेटा जो भी तुम उगाओगे, तुम्हारा खेत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी तुम उगाओगे ना उसका आधा हमको मिलना चाहिए। तो यहां पे बोलने लगे कि पागल आगल हो गए हो क्या, अगर हम तुमको आधा 50% ऑफ आउटपुट दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको 1/3 करो। तो ये 1/3 के लिए ते भाग यानी कि 1/3 पार्ट हम देंगे, इसको 1/3 करो वरना तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे वो खड़े हो गए। पीछे ज्योति बसु का सपोर्ट था, सीपीआई का सपोर्ट था, क्योंकि ये पूरा लैंड से जमीन से रिलेटेड है पूरा का पूरा मूवमेंट। ठीक है, अब 1947 के बाद दोस्तों भारत आजाद होता है और भारत आजाद होता है, भारत में संविधान बनता है और 1951 में भारत में भी इलेक्शन होते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहां सब जगह इलेक्शन होते हैं। अब आपको एक चीज मैं समझाता हूं, देखिए दोस्तों हर जगह किसकी सरकार आई, देखिए सेंटर में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई और स्टेट में भी हर जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई। अब भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत में बहुत ज्यादा पार्टी बनी, लेकिन हम देखते हैं कि 1970 तक लगभग हर स्टेट्स में और सेंटर में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा। जब तक जवाहरलाल नेहरू थे पूरे भारत को उन पे बहुत भरोसा था, लेकिन जैसे ही जवाहरलाल नेहरू का पतन होता है और भी भारत में बहुत सारी चीजें हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ से चीजें निकल गई। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज्यादा फूट पड़ गई थी, बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस से निकल गए, अपनी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। ठीक है ना, अपना उन्होंने बना लिया था। अब ये मुरारजी देसाई की पूरी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, देख लीजिएगा, बहुत लंबी फेहरिस्त है। तो हम यहां पर देखते हैं कि सारे स्टेट में, आप भारत के किसी भी स्टेट में देख लीजिए, जब 1970-1980 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अगर बंगाल में देखें तो दोस्तों यहां पर भी 1946 से लेकर जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1967 तक यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है। समझ रहे हैं आप, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस बंगाल में भी रही। अब बीसी रॉय की बायोग्राफी मैंने कवर की है, देख लीजिएगा, भारत रत्न क्यों इनको बता रहा हूं दोस्तों, 1950 से लेकर 1962 तक ये कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर थे, इनको भारत रत्न मिला है, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दबदबा रहा। ये ज्योति बसु समझ गए थे कि अगर हमको कुछ भी करना है तो सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उखाड़ के यहां से फेंकना होगा। तो 1952 में जब इलेक्शन हुए इन्होंने एंटी कांग्रेस फ्रंट बना लिया, जिसको यूनाइटेड फ्रंट भी बाद में बोला गया या जिसको बंगाल कांग्रेस भी बोला गया। अब ये सारी जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी उन सबको साथ में लेके आए, फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी हो गई, बोल्शेविक पार्टी हो गई, इन सबको साथ में लेके आए और अपनी पार्टी बना ली बंगाल कांग्रेस या फिर यूनाइटेड फ्रंट। इन्होंने इलेक्शन लड़े
पहले तो जो 238 असेंबली की सीट थी, 71 सीटों पे इलेक्शन लड़े, 28 सीटें मिली। अगले साल, अगली मतलब अगली बार जब इलेक्शन हुआ 1957 में, ये 1952 के रिजल्ट है, और 1957 में जब इलेक्शन हुए तो इनका आंकड़ा बहुत बढ़ गया, 46। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, सीपीआई, ये सीपीआई मार्क्सिस्ट है, सीपीआई माओइस्ट नहीं है, याद रखिएगा। अक्सर लोग जो बोलते हैं कि वो तो बिल्कुल इनकी इनका तो बिल्कुल खूनी इतिहास है, अरे भैया सीपीआई मार्क्सिस्ट का खूनी इतिहास नहीं है, वो सीपीआई माओइस्ट है, वो तो भारत में बैन एक तरीके से है, वो तो दिखते भी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल अंडरग्राउंड उनका सब कुछ होता है, अभी उनकी हम बात करेंगे। तो सीपीआई मार्क्सिस्ट है ये। तो यहां पर हम देखते हैं कि सीपीआई मार्क्सिस्ट की बात करें तो इन्होंने हमेशा से ही भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया है। 1947 के बाद, आजादी के बाद, दोस्तों आप विश्वास मानिए, बीजेपी का जब तक उदय नहीं हुआ था 1990 के बाद, उससे पहले अगर कोई ऐसी पार्टी थी जो हमेशा कांग्रेस को टक्कर देती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी, और आपको जान के हैरानी होगी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इवन बीजेपी के बाद जब भी 1990 या 2004 की बात करें तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो भैया यहां पे ना बीजेपी जीतती थी ना यहां पे कांग्रेस जीतती थी, तो जो सपोर्ट लेती थी ना कांग्रेस, वो भी सीपीआई से लेती थी। तो सीपीआई ने भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम किरदार निभाया है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसका पूरा इतिहास में मैंने कवर किया है, प्राइम मिनिस्टर सीरीज देखिएगा दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं। और इसकी शुरुआत हो गई थी भैया 1952 से, ज्योति बसु ने यहां पर बहुत ही कमाल का किरदार निभाया। अब हम देखते हैं कि पहले तो ये वेस्ट बंगाल प्रोविंशियल कमेटी के सेक्रेटरी बनाए गए, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट इनको दी। उसके बाद दोस्तों 1964 में ये पार्टी जो है वो स्प्लिट हो गई, ठीक है, मतलब 1962 यहां पे जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, और फिर सीपीआई मार्क्सिस्ट बनी। सबसे पहले तो 9 लोगों की ये पूरी संस्था थी, जिसमें बासु जो थे वो मतलब हेड थे, और उनको पॉलिट ब्यूरो का मेंबर बनाया गया था, मतलब हेड बनाया गया था एक तरीके से। तो यहां पे पहले तो खाली 9 लोग थे सीपीआई मार्क्सिस्ट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से ये पार्टी पूरी तरीके से स्प्लिट हो गई। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, जैसे डेंग ज़ियाओपिंग ने 1975 के बाद पूरे चाइना को बदल दिया, कुछ वैसे ही दर्जा ज्योति बसु को भी दिया जाता है, ठीक है, आपको यह भी बताना चाहता हूं, जैसे डेंग ज़ियाओपिंग थे वैसे ही ज्योति बसु को बंगाल के लिए बोला जाता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि ज्योति बसु की खामियां क्या थी। तो दोस्तों अब देखते देखते 1967 का इलेक्शन आ गया, और हम यहां पे देखते हैं कि 2 लोग साथ में आ गए और यूनाइटेड फ्रंट बना लिया। यहां पे सीपीआई और बंगाल कांग्रेस, सीपीआई ये दोनों, बांग्ला कांग्रेस, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट बना। और 1967 में जब इलेक्शन लड़े तो भैया ये जो बांग्ला कांग्रेस थी ये जीत गई इलेक्शन। अब एजॉय मुखर्जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर हुए, और बासु जो थे वो डेप्यूटी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर चुने गए। यहां से सब कुछ बदल गया। अब वेस्ट बंगाल में दोबारा कांग्रेस एक बार खाली आएगी 1972 में। उसके बाद 1977 के बाद जब सीपीआई, तो ये एरा की शुरुआत हो गई। जैसे ही 1977 में सीपीआई आई, उसके बाद कांग्रेस कभी दिखी नहीं, कांग्रेस बीजेपी कोई भी नहीं दिखा बंगाल में अगले 33 सालों तक। तो दोस्तों कहानी क्या है, हम जानते हैं 1967 में ये पार्टी आई, लेकिन ये बहुत जल्दी कोलैप्स कर गई, इनफैक्ट अगले साल ही कोलैप्स कर गई 1968 में, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा। 1972 में इलेक्शन हुए, यहां पे बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों। 1967 में भारत में एक बहुत ही खराब चीज की शुरुआत हो गई थी, जो आज भी जिससे भारत बहुत जूझ रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नक्सलाइट्स की। नक्सल मूवमेंट यहां से शुरू हो गया था दोस्तों। हुआ क्या था कि चारू मजुमदार और उनके जितने भी लोग थे, प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे नक्सलबारी एक विलेज है, ये नक्सल जो नाम है वो नक्सलबारी विलेज से ही लिया गया है, छोटा सा गांव है बंगाल में। तो हुआ क्या कि नक्सलबारी विलेज में एक यहाँ पे मतलब मार दिया गया था एक छोटे से किसान को, ठीक है, जमीन का विवाद था, वहां पे जमींदार के लोग आए और उसको मार दिया गया। यहां पे चारू मजुमदार और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, पहले ये स्प्लिट नहीं था, ठीक है, सब कुछ एक में ही था, लेकिन बाद में ये पार्टी से ही अलग हो गए, सीपीआई मार्क्सिस्ट से अलग हो गए। तो बाद में चारू मजुमदार और सारे लोग गए, उन्होंने कहा देखे ये क्या हो गया है। अब वो मांग करने लगे कि ये जमींदार को तो सजा मिलनी चाहिए। किसी ने नहीं माना, कौन मानता है गरीबों की, किसी ने नहीं माना, पावर भी नहीं थी यहां पे सीपीआई के पास। चारू मजुमदार ने बोला चलो हथियार उठा लो, सबके सब हथियार उठा लो, एक एक को, एक एक जमींदार को पकड़ पकड़ के मारेंगे। आइडियोलॉजी भैया बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो आइडियोलॉजी के लिए इन्होंने माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को, देखो इसीलिए इनको सीपीआई माओविस्ट बोला जाता है। और यहां पे ज्योति बसु ने, देखिए जैसे ही चारू मजुमदार ने हिंसा का रास्ता पकड़ा, ज्योति बसु ने इनसे किनारा कर लिया। अरे पहले तो सब सीपीआई के थे ना, तो सीपीआई मार्क्सिस्ट इनसे बिल्कुल अलग हो गई और जितने भी मेंबर्स ये जो हिंसा की बात कर रहे थे उन सबको बर्खास्त कर दिया कि आप सब पार्टी में रहेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, और बिल्कुल सही डिसीजन है। ज्योति बसु एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने किनारा कर लिया कि हम आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले, हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन चारू मजुमदार ने तो दोस्तों ऐसी ऐसी खतरनाक चीजें बोलनी शुरू कर दी कि हालत खराब हो गई। माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी पे बेस्ड थे, माओ जेडोंग ने उस समय बोल दिया था भारत के लिए कि अगर भारत के लीडरशिप को बदलना है तो लोअर क्लास हथियार उठा ले, अपर क्लास को जान से मार दे, बाई फोर्स सब पे कब्जा कर ले। तो ये सारे, अब माओ जेडोंग तो ये पूरा अपना चला ही रहे थे ना मूवमेंट चाइना में, उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन करके सीधा सीधा यही किया था। कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे पूरे चाइना में जो हिंसा फैली थी वो तो डेंग ज़ियाओपिंग भी इसमें निपट ही गए थे। अब मैंने डेंग ज़ियाओपिंग और माओ ज़ेडोंग दो और कल्चरल रेवोल्यूशन, चाइना का पूरा इतिहास कवर किया है दोस्तों, कम से कम 10 से 15 लेक्चर है चाइना पे, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं दोस्तों ये सारी चीजें चल रही है, नक्सल मूवमेंट चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। चारू मजुमदार ने फिर एनाइलेशन लाइन ड्रॉ कर दी। अब एनाइलेशन लाइन में क्या था दोस्तों, उन्होंने ये बोला, बहुत ही खतरनाक चीज है, देखिए सुनिएगा जरा, उन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल्स को जान से मारना शुरू कर दो। अब इंडिविजुअल्स में कौन कौन आएगा सुनते रहिए। सबसे पहले तो लैंडलॉर्ड्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेसमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सबको जान से मारना शुरू कर दो, हथियार उठा लो। और दोस्तों आपको बता दूं, एक 1971 आते आते 4 साल में ये नक्सल मूवमेंट इतना ज्यादा फैल गया था, कॉलेज में जो स्टूडेंट थे वो इस नक्सल मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे, जितने भी 20,000 लोगों ने देखते ही देखते रातों रात इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, हथियार उठा लिए, तैयार था भैया विद्रोह। लेकिन भारत में इंदिरा गांधी का रूल था, इंदिरा गांधी ने, और कांग्रेस भी यहां पे हम देखते हैं कि बंगाल में जब इलेक्शन जीत के आई थी तो यहां पे भैया इंदिरा गांधी और जो कांग्रेस थी उन्होंने फिर मोर्चा संभाला, ऑपरेशन स्टीपल चेज लॉन्च कर दिया और एक एक को फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, और लगातार एक के बाद एक कम से कम 10 से 15,000 लोगों को डिटेन किया गया जो भी नक्सल्स थे, और फिर बहुत दिक्कत हुई थी। 1972 में चारू मजुमदार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अलीपुर जेल में रखा गया, टॉर्चर किया, उनकी डेथ हो गई, ये मूवमेंट और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद सीपीआई अलग हो गई और फिर 2000 के बाद इसका उदय होता है जब एक के बाद इन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब 40% भारत के 40% हिस्से पे पूरा मतलब ये लोग फैले हुए हैं, और रेड कॉरिडोर है ना ये पूरा का पूरा, बोलते हैं कि हमको अलग जाना है, हम किसी भी भारत को हम मानते ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब भारत अभी तक, और इसकी शुरुआत 1967 से हुई थी, ठीक है, तो भारत अभी तक इसको झेल रहा है। अब देखते हैं, अगर मुझे वक्त लगा तो मैं एक रेड कॉरिडोर या फिर हिस्ट्री ऑफ नक्सल्स, क्योंकि काफी लंबी कहानी है, उस पर भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ज्योति बसु ने बिल्कुल किनारा कर दिया। 1977 में दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि 1968 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा रूल था, उसके बाद सॉरी 1967 से 68 थोड़े से टाइम के लिए बांग्ला कांग्रेस, लेकिन 1977 में जब इलेक्शन हुए, 1977 में इलेक्शन हुए तब लेफ्ट फ्रंट जीत गया, कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और एक एरा की शुरुआत हो गई। 1977 से लेकर 2011 तक ये लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी ने ही बंगाल में रूल किया, काफी लंबा चौड़ा ये रूल है अगर आप देखें तो दोस्तों, और बहुत कुछ इन्होंने यहां पे किया। हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि 23 साल तक, 2000 तक तो इन्होंने रूल किया, उसके बाद 2000 के बाद बुद्ध देव भट्टाचार्य आए, वो भी सीपीआई के लीडर थे, और फिर उनका रूल चालू होगा। अभी 2011 के बाद वहां पे तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है ना, टीएमसी, ममता बनर्जी सी है, उनकी भी बायोग्राफी रिव्यू की है, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं। अब दोस्तों इनकी कुछ हम यहां पे अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि ज्योति बसु जब चीफ मिनिस्टर थे तो इन्होंने क्या किया। ज्योति बसु ने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो इन्होंने विलेज को ऑटोनॉमी दे दी, और वेस्ट बंगाल एक ऐसा अभी स्टेट है जिसमें विलेज को बहुत सारा मतलब विलेज को काफी ऑटोनॉमी है।
अब विलेज को ऑटोनॉमी दी है, तो सबसे पहले तो इन्होंने पंचायती राज को पूरी तरीके से, ये जो सिस्टम है पंचायती राज, भारत में थ्री टीयर सिस्टम है, लेकिन पंचायती राज अगर आप देखें तो ये हर स्टेट में खाली दिखाने के लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में भैया यहां पे हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, बहुत ही बढ़िया है, विलेज को ऑटोनॉमी दे दी। दूसरी चीज यहां पे लैंड रिफॉर्म्स ले आए, ठीक है, यहां पे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे उनके पास जमीन नहीं थी, बहुत गरीब थे, तो लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया भैया, यहां पे इनको जमीन दे दी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 70% तक दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और ये बंगाल के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, और बंगाल देखते ही देखते बहुत ज्यादा अमीर हो गया। काफी पेट्रोकेमिकल्स भी इन्होंने मतलब फैक्ट्रीज लगाई, जिसमें हल्दिया भी एक मतलब इसमें शामिल है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनको बहुत ही सेक्युलर लीडर माना जाता है, ठीक है, सेक्युलर लीडर, जब इंदिरा गांधी पूरा दंगे चल रहे थे, तो यहां पे इन्होंने इतना अपनी अपने स्किल्स दिखाए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स दिखाए, और यहां पे वेस्ट बंगाल में बिल्कुल शांति का माहौल था। इंदिरा गांधी को जब असैसिनेट किया गया था तो पूरी दुनिया, पूरे भारत में दंगे हो गए थे, लेकिन वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहां पे बिल्कुल शांति का माहौल था, और जो इनकी सरकार थी वो काफी ट्रांसपेरेंट थी, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन जो विलेज को स्वायत्तता, जो गांव को स्वायत्तता दी थी, और जो पंचायती राज इन्होंने स्टैब्लिश किया था, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है, और ये कमाल कर दिया था दोस्तों, मील का पत्थर है ये भैया ज्योति बसु ने। इसीलिए तो जब भी इलेक्शन होते थे ज्योति बसु जीत के आते थे। 1977 से 2011 तक दोस्तों अगर कोई पार्टी एक स्टेट में रूल कर रही है, आप सोच सकते होंगे उसका रूल कितना बेहतरीन होगा और लोग कितने ज्यादा खुश होंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको जाननी होगी, हर अच्छी चीज के पीछे कुछ बुरी चीज भी होती है। बुरी चीज क्या थी दोस्तों, ये चीज तो ठीक है, लेकिन यहां पे इनका फेलियर ये रहा, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को पूरा हटा दिया। यहां पे दोस्तों जो किसान थे, कोई भी अगर फैक्ट्री लगाने आता था उसको मार मार के भगा देते थे कि तुम यहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाओगे। एक समय पे दोस्तों बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। अब जो इंडस्ट्री, जो बिजनेसमैन यहां पे सरकार के पास जाते थे तो सरकार बोलती थी, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी वो कुछ भी, क्योंकि सरकार तो यहां पे किसानों के साथ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पूरी तरीके से इन्होंने नकार दिया। दूसरी चीज, अब इंडस्ट्रीज नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, यहां पे स्किल्ड लेबर की कमी हो गई, लोगों को बाहर जाना चाहता था। एजुकेशन सिस्टम में भी इन्होंने बहुत ड्रास्टिक चेंज कर दिया था, 5th क्लास तक इन्होंने बंगाली कंपलसरी कर दी थी, जो कि एक बहुत ही खराब डिसीजन माना जाता है। तो ये सारी भी चीजें थी जिसके लिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब दोस्तों अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो क्या होगा, इस रिसोर्सेज भी तो नहीं होंगे, तो बंगाल के पास धीमे धीमे रिसोर्सेज भी खत्म होते जा रहे थे। इसीलिए जब 2000 के बाद ज्योति बसु स्टेप डाउन किए, बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, तब उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्रीज को बुलाया कि आप आइए यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाए। वैसे 1996 में इसकी शुरुआत कर दी थी ज्योति बसु ने, आप आइए बंगाल में इंडस्ट्रीज लगाए, और वहां से फिर दोबारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद दोस्तों 1996 में एक बार ज्योति बसु के पास मौका आया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सके। 1996 का जब एरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हार गई, फिर 1996 मतलब हार क्या गई, उनको बहुमत नहीं मिली थी, क्योंकि 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 1996 एक बहुत ही एक ऐसा एरा था, तीन प्राइम मिनिस्टर आए, तीन प्राइम मिनिस्टर गए। यहां पे ज्योति बसु को लगभग लगभग जब सहमति नहीं बन पा रही थी तो ज्योति बसु को प्राइम मिनिस्टर बना ही दिया गया था, लेकिन सीपीआई ने इसको वापस ले लिया, और बाद में ज्योति बसु ने इसको हिस्टोरिक ब्लंडर भी बोला था। सीपीआई ने बोला कि हम ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाने से कोई फायदा नहीं जो चंद दिनों तक चले। फिर एचडी देवेगौड़ा को बनाया गया, और यही वही हुआ जो सीपीआई ने बोला था, प्राइम मिनिस्टर चंद दिनों तक ही चला, एचडी देवेगौड़ा भी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाए, कोलिशन गवर्नमेंट ही ऐसा ही होता था। तो ज्योति बसु का इन्होंने 2000 के बाद फिर स्टेप डाउन किया, 23 साल तक दोस्तों इन्होंने रूल किया पवन कुमार चामलिंग के बाद। पवन कुमार चामलिंग की बायोग्राफी रिव्यू की है, और फाइनली इन्होंने 2010 में, हम मतलब 2006 में, वैसे बार बार ये रिटायरमेंट की मांग करते रहे कि मुझे भैया अब संन्यास लेने दो, लेकिन सीपीआई इनको जाने ही नहीं देती थी। 2000 में तो ये हट गए चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल से, फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य आए, लेकिन पार्टी के मेंबर रहे, तो बार बार पार्टी जब भी मीटिंग होती थी ये बोलते थे कि भैया मुझे अब जाने दो, रिटायर हो जाने दो, लेकिन यहाँ पे पार्टी इनको रिटायर नहीं होने देती थी। 2010 में दोस्तों 17 जनवरी 2010 को इनका देहांत होता है और एक एरा का अंत हो जाता है। तो ये लेक्चर था ज्योति बसु पे, आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने बंगाल की हिस्ट्री पूरी कवर कर दी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।